कितनी उम्मीदें आज की बैठक को लेकर बात सुनिए, एक तो अब हम लोग का आना जाना लगातार जारी रहेगा क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं परसों जयपुर अजमेर के अंदर, तो ये जो सिलसिला है चुनाव का बिगुल बच चुका है एक प्रकार से। हमारे जो महंगाई राहत शिविर है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी और तमाम ये पार्टी लोग घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये ब्रीफ किया गया है कि आप बराबर आओ, लगातार मैंने सुना वो हर जिले में आ रहे हैं, इतना महत्व दे रहे राजस्थान को क्योंकि उनके पास कहने को है नहीं, लोकल पार्टी के पास तो लोकल बीजेपी पूरी तरह नाकारा साबित हुई। 4.5 साल में कोई आंदोलन किए नहीं और मैंने सुना अमित शाह ने इनको डांटा था तो आपने किया क्या? कुछ नहीं किया मैंने सुना, पता नहीं सही है गलत है, पर इनकी स्थिति बहुत खराब है लोकल लोगों की। इतने कोई चेहरा भी नहीं ला रहे आगे, प्रधानमंत्री चेहरे पर रख लड़ेंगे, ये कोई जम्मू कश्मीर में कहां जाना चाहते हो देश को आप? प्रधानमंत्री जी को नगर निगम में प्रधानमंत्री जी, विधानसभा में प्रधानमंत्री जी, सब जगह प्रधानमंत्री जी, तो ये अप्रोच उनकी जो है उनको मुबारक हो। उनके पास धन बल की कमी नहीं है, साधन संपन्न लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे जाति के नाम पर धर्म के नाम पर। हम चाहते हैं इस बार जाति धर्म की जगह राजनीति धर्म, हम सब है, हम सब हिंदू हैं, परंतु इनका अप्रोच उनके पास है। हमारा अप्रोच सिर्फ रहेगा कि राजस्थान का मैंडेट हमें मिला है राजस्थान सरकार चलाने के लिए, राजस्थान में विकास करने के लिए, राजस्थान में जनकल्याणकारी योजना लागू करने के लिए, राजस्थान को गुड गवर्नेंस देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भयंकर जो है हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया है, बहुत शानदार तरीके गवर्नेंस दी है, बहुत शानदार तरीके से हमने सरकार चलाई है और जो बजट पेश किए मैंने 5, एक में भी टैक्स नहीं लगाया है, इतनी बड़ी राहत हमने लोगों को दी है, लोग बहुत खुश हैं। अभी करीब 1.25 करोड़ लोग तो हमें आके जुड़ चुके हैं महंगाई को देखते हुए विभिन्न योजनाओं से, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार एक्ट हमने बना दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, लोग बहुत खुश हैं। शिक्षा में हमारी बहुत योजना है, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी योजना लेके आ गए, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया हम लोगों ने, कानून हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं पेंशन दे रहे हैं, उसमें 500 वालों को 1000 कर दिए हम लोगों ने, तो लोग बहुत खुश हैं वहाँ पर। उससे घबरा करके प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे सब हमारी अपनी योजनाओं पर। मुझे यकीन है कि जनता, ये चुनाव कोई पार्लियामेंट का है नहीं, ये चुनाव राजस्थान सरकार का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के हिसाब से लोगों की सोच रहेगी और चाहे कितने ही लोगों को भड़काएंगे, इस बार लोग भड़काने में आएंगे नहीं और सरकार हमारी बनेगी। धन्यवाद, जय।